ट्यूब रोड कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। स्टार्ट करते हैं, आज एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। केनिया, जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्री केनिया है, केनिया को एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे और क्या अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पर, उसके ऊपर बात करेंगे। केनिया में फिलहाल जो इंडिया से बहुत सारे जा रहा है पुराना ओल्ड बाइक एंड ओल्ड कार्स, ठीक है। इंडिया में जो पुराना बाइक्स होता है, पुराना बाइक्स को आप लाइक 20,000, 30,000, 50,000 में जो बाइक्स को, जो मोटर बाइक्स होता है, तो 20,000, 30,000, 50,000, जो इवन बाइक 10,000 में मिलता है, ऐसा टाइप का बाइक्स को आप खरीद के केनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो बाइक का वहाँ पर क्यों डिमांड है? तंजानिया, केनिया, नॉर्मली ऑल ओवर द अफ्रीकन कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा पुराना बाइक्स को इंडिया एंड चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट करके उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको ठीक करके वो यूज़ करते हैं। जैसे हमारा इंडिया में ओला और उबेर में बाइक यूज होता है, ड्राइवर जैसा कि राइड के लिए लेके जाता है, भाड़ा भाड़ा में नहीं लेके जाता है, तो ऐसा बाइक को यूज करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बाइक से ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो उसका जो पार्ट्स अलग अलग बाइक्स में यूज करते हैं। इसीलिए अगर पुराना बाइक्स को, पुराना बाइक्स और पुराना कार्स को आप इंडिया से बाई करके OLX एंड अदर ऑनलाइन सोर्स से बाय करके केनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो उसके लिए आपको केनिया में ढूंढना पड़ेगा बायर्स, ठीक है। तो मैं बता दिया, पुराना बाइक्स, पुराना कार्स का बहुत डिमांड है केनिया, तंजानिया एंड ऑल ओवर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस को छोड़ के ऑल ओवर अफ्रीका कंट्री में पुराना बाइक्स एंड पुराना कार्स का बहुत डिमांड है। तो वहाँ पर जैसा कि एक बाइक 40,000-50,000 में इंडिया से आप बाय करोगे, उसको 1,00,000 में सेल करोगे टू केनिया, 50,000 फायदा रख के आप केनिया में सेल करोगे, तो उस बाइक को मॉडिफाई करेंगे, ठीक करके उसको कलर करके नया करके 4,00,000-5,00,000 इंडियन रुपीस में वहाँ बेचते हैं केनिया का जो शोरूम में, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये बिजनेस कर सकते हो तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है, बाइक्स कार्स का बिजनेस इन केनिया। और क्या प्रोडक्ट है केनिया में एंड तंजानिया एंड ऑल ओवर अफ्रीका में? सिक्योरिटी प्रोडक्ट, ठीक है, सिक्योरिटी कैमरा हो गया और ऑल काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी डोर्स हो गया, डोर का सिक्योरिटी, ऑटोमेटिक डोर्स का जो सिक्योरिटी होता है ऑनलाइन में, सिक्योरिटी कैमरा, तो ऑल काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स का बहुत डिमांड है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स को केनिया इम्पोर्ट करता है चाइना से। अगर आप सिक्योरिटी प्रोडक्ट के साथ डील करते हो, सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स को, तो आप केनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और क्या प्रोडक्ट आप कर सकते हो? कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यानी बिल्डिंग मटेरियल्स, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स का बहुत डिमांड है केनिया में। पूरा ऑल ओवर केनिया में कंस्ट्रक्शन बूम हो रहा है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर बिल्डिंग्स बन रहा है, विला बन रहा है, रोड्स बन रहा है, तो ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, आयरन, स्टील, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, वुड, ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को आप सोर्स करके भारत से केनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? प्लास्टिक प्रोडक्ट, प्लास्टिक टॉयज एंड ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। और मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आपको एक्सपोर्ट कर सकते हो आपका गारमेंट्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर सकते हो। और बेस्ट प्रोडक्ट हो गया फूड प्रोडक्ट, ऑल काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट केनिया इम्पोर्ट करते हो भारत से, ठीक है। इंडिया एंड केनिया का गवर्नमेंट का अच्छा हमारा रिलेशन है, तो केनिया एक अच्छा कंट्री है। केनिया में बहुत सारे इंडियंस वहाँ पर सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, बिजनेस कर रहे हैं। तो केनिया को अगर एक्सपोर्ट करना है तो आपको मैं बता चुका हूँ, एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए केनिया में अफ्रीका बिजनेस डायरेक्टरी है, africabusinessdirectory.com है, या बहुत सारे केनिया का अफ्रीका का बिजनेस डायरेक्टरीज है, alibaba.com है, ऐसे इंटरनेशनल जो ट्रेड डायरेक्टरीज में आपको जाकर रजिस्टर करके केनिया का बायर्स को ढूंढना है, ढूंढ के उनको ईमेल करना है, ठीक है। तो हाउ टू एक्सपोर्ट टू केनिया, उसके ऊपर जो वीडियो मैं बना चुका हूँ, पुराना वीडियो देख लीजिए, पुराना वीडियो का जो लिंक्स है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और दूसरा तरीका है, केनिया में रेडियो बहुत चलता है, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड टीवी, ठीक है। तो केनिया में अगर आपके पास बजट है तो केनिया में न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टीवी में, उनका लैंग्वेज में, स्वाहिली लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, वहाँ का लैंग्वेज इंग्लिश है और स्वाहिली है, तो दोनों लैंग्वेज में आपको अगर एडवर्टाइजमेंट करोगे, आप एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो टू केनिया, तो आपको 100% इमिडिएटली एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत मिल जाएंगे, बायर्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप केनिया में रेडियो में, टीवी में एंड न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो।
और गूगल सर्च, गूगल एड में आप एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन में कर सकते हो, ताकि केन्या का जो लोग है, बायर्स है, जब सर्च करेंगे बाय करने के लिए प्रोडक्ट, तो उनको आपका कंपनी दिखाई देगा ऑन गूगल, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सब करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको हमें कॉन्टैक्ट करिए, हमारा कंपनी जो ट्यूब रोज कॉरपोरेशन आपको मदद करेगा केन्या से कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर पा सकते हो। और ब्लॉग्स और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, तो हमारा कंपनी बहुत सारे न्यूज़पेपर ब्लॉग्स का साइट स्टार्ट करने वाले हैं, अभी स्टार्ट हो रहा है काम। ब्लॉग्स न्यूज़पेपर में हमारा कंपनी आपके लिए, हमारे जो राइटर्स है, न्यूज़पेपर में आपका एडवर्टाइजमेंट डालेंगे कि आप एक एक्सपोर्टर है, भारत से एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो केन्या, फिर आपका एडवर्टाइजमेंट, आपका जो ब्लॉग्स, आपका जो आर्टिकल हम लोग लिख के केन्या में उसको मार्केटिंग करेंगे, ताकि आपको केन्या से ज़्यादा ऑर्डर मिल सके। और केन्या में इंस्टेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए केन्या में सिक्योरिटी एक्सपो, फूड एक्सपो, होटल एग्जीबिशन एक्सपो, गारमेंट्स एक्सपो एंड आपका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सपो यानी एग्जीबिशन होने जा रहा है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस महीना में अलग अलग डेट में एक्सपो होने जा रहा है। तो हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉरपोरेशन अलग अलग देशों में एक्सपो में भाग लेते हैं, एक्सपोर्टर को लेकर भाग लेते हैं, यानी हम पार्टिसिपेट करवाते हैं। अगर केन्या से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर पाना है तो आपको एग्जीबिशन में भाग लेना है। अगर एग्जीबिशन में भाग लेना है तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो एग्जीबिशन में, एग्जीबिशन सेंटर में हम आपके लिए बुकिंग करेंगे, आपका 2-3 दिन का जो पार्टिसिपेट करोगे, आपका स्टॉल बुकिंग होगा, आपका होटल बुकिंग होगा, केन्या का वीज़ा अरेंज करेंगे, केन्या का एयर टिकट अरेंज करेंगे, ताकि भारत से जब आप जाओगे केन्या तो आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को लेके जाना पड़ेगा केन्या में, केन्या में हमारा स्टाफ आपको रिसीव करेंगे एयरपोर्ट से, आपको होटल लेके जाएंगे, होटल में रहोगे, नेक्स्ट डे आपको स्टॉल में जाना है। तो केन्या में हम आपके लिए केन्या का जो स्वाहिली इंग्लिश स्पीकिंग जो स्टाफ होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं, आपके लिए काम करेंगे 2-3 दिन के लिए। और वहाँ पर जो बायर्स आते हैं केन्या में, नैरोबी में जब एग्जीबिशन होगा, ऑल ओवर अफ्रीकन बायर्स आएंगे, तो आपको उनके साथ स्वाहिली स्पीकिंग जो प्रोफेशनल रहेंगे आपका स्टॉल में, उनके साथ बातचीत करेंगे, आपका बिजनेस कार्ड, आपका प्रोडक्ट दिखाएंगे, हो सकता है कुछ प्रोडक्ट आप वहाँ पर सेल कर सकते हो ऑन सैम्पल बेसिस, देन आपको वहीं पर एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है, ये भी आप कर सकते हो। तो टोटल जो कॉस्ट आएगा, तो आपका एयर टिकट, आपका वीज़ा, आपका होटल में, आपका जो होटल का स्टे है, ट्रांसपोर्टेशन एंड पार्टी इन, आपका जो एग्जीबिशन का जो स्टॉल बुकिंग वगैरह, तो टोटल कॉस्ट आपका कितना आएगा हम बता देंगे। तो प्रोडक्ट रहेगा, अलग अलग प्रोडक्ट है, आपका फूड प्रोडक्ट रहेगा, अलग रहेगा एग्जीबिशन अलग डेट में, तो आपका रहेगा जो गारमेंट टेक्सटाइल का अलग रहेगा, सिक्योरिटी प्रोडक्ट का अलग रहेगा, होटल प्रोडक्ट, होटल इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट अलग रहेगा, एंड आपका गारमेंट टेक्सटाइल एंड आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का रहेगा। तो ये प्रोडक्ट का, अगर ये प्रोडक्ट्स में आप डील कर सकते हो, सॉरी ये प्रोडक्ट्स का डील करते हो, ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हो, केन्या में जाके आपको एक्सपो में भाग लेना है, तो आप हमें लिख सकते हो, मैं केन्या में आऊँगा आपके लिए, मैं केन्या में आऊँगा, एग्जीबिशन सेंटर में हम मिलेंगे, मैं आपको बहुत सारे आइडियाज़ दूँगा केन्या में कैसे आपको और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, उसके लिए मार्केटिंग का तरीका बता देंगे। और हो सकते हैं अगर आपके पास बजट है, हम वहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलेंगे, और वहाँ का रेडियो स्टेशन में हम जाके बात कर सकते हैं, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर में, अगर आपके पास बजट है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, रह के मार्केटिंग कर सकते हो। वहाँ पर 1 महीने का वीज़ा मिलेगा, तो 1 महीना अगर रहना चाहते हो, 1 महीना रह कर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। तो बहुत सारे मार्केटिंग तरीका हम बताएंगे आपको केन्या में। अगर आप केन्या को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, केन्या में एक्सपो में भाग लेना चाहते हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मदद करूंगा। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। आशा करता हूं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बना पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।